हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो अबाउट द फिजिक्स चैप्टर फोर्स। पिछले चार दिनों में आपको वीडियोस नहीं मिल पाए, उसके लिए कुछ रीजंस थे और रीजन सिर्फ एक था। रीजन था, मैं आपके लिए क्वेश्चंस ही प्रिपेयर कर रहा था। चलिए तो आज शुरू करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 41 से। पिछले वीडियो तक आपने क्वेश्चन 40 तक देखा था और आज कम से कम 10-12 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नए तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 41। और ये है आपके सामने एग्जाम्पल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेट इज नॉट विद इन द मटेरियल ऑफ बॉडी इज। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कहते हैं बॉडी के अंदर होती है, लेकिन बाहर भी हो सकती है, तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या है? देखिए, पहला ऑप्शन दिया है सर्कुलर डिस्क, सेकेंड दिया है सर्कुलर रिंग, थर्ड हॉलो स्फीयर, फोर्थ है बोथ सेकेंड एंड थर्ड, यानी रिंग एंड हॉलो स्फीयर आर करेक्ट, और फिफ्थ है ऑल आर करेक्ट। आपको क्या लगता है? जैसा कि आप आंसर रेड मार्क से देख सकते हैं बना हुआ है, वो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। आइए इसको डिस्कस कर लें, ये क्यों। देखिए, ये एक बॉडी है जो सॉलिड है बिल्कुल, जिसे हम कह रहे हैं डिस्क। ये डिस्क है, राइट। और एक ये बॉडी है जिसे हम कह रहे हैं रिंग, जैसे उंगली में रिंग पहनते हैं ना, ये हॉलो है। यहां पर दोनों में जियोमेट्रिक सेंटर होता है और दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर होती है, लेकिन एक डिफरेंस है, ये सॉलिड है तो विद इन द बॉडी कहलाएगी और ये हॉलो है तो सेंटर पे कहलाएगी, जो कि आउटसाइड द बॉडी है। इन द सेम वे एक स्फीयर है, जैसे कि क्रिकेट की बॉल, वो सॉलिड स्फीयर है तो बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी सेंटर में, लेकिन अगर ये हॉलो स्फेरिकल सर्फेस है तो आउटसाइड द बॉडी हो गई। तो ऑप्शन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। नंबर 42 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड कोन। एक कोन है जो कि सॉलिड कोन है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां रहती है? पार्ट वन, एट हाइट h/4 फ्रॉम द बेस ऑफ ऑन इट्स एक्सिस। सेकंड ऑप्शन है एट द हाइट h/3 फ्रॉम द बेस ऑन इट्स एक्सिस। थर्ड है एट द हाइट h/2 फ्रॉम द बेस ऑफ एन एक्सिस, और फोर्थ एट द बेस ऑफ द कोन। तो देखिए, ये जो कोन है ये एक सॉलिड कोन है, क्लियर, और इसमें ये इसकी हाइट है और ये बेस है। अब देखिए, जो आपको करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, वो है एट द हाइट h/4 फ्रॉम द बेस। बेस से अगर ये टोटल हाइट h ले रहे हैं आप इसकी, तो ये h/0.4 पे, ये h/4 पे, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन होती है सॉलिड कोन में। तो आंसर आपको क्लियर हो गया। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन इज इन। पार्ट वन पैरेललोग्राम, सेकंड सिलेंडर, थर्ड ट्रायंगुलर लेमाना एंड सॉलिड कोन इज द फोर्थ ऑप्शन। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ट्रायंगुलर लेमाना में होती है। किस तरह से होती है? डायग्राम को देख लीजिए। ये देखिए, ये ट्रायंगुलर लेमाइना है और ये इसके मीडियंस को ड्रॉ कर दिया। जब ये मीडियंस को ड्रॉ किया तो ये जो पॉइंट आ रहा है आप देख रहे हैं, ये कहलाती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये ट्रायंगुलर लेमाइना के मीडियंस जो हमने ड्रॉ किए उसके थ्रू बनने वाला इंटरसेक्शन का पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऑप्शन 3 इज क्लियर टू यू। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, तो आइए देखते हैं। तो इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी, पार्ट वन, इट्स स्पीड इज वेरिएबल, सेकंड, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, थर्ड, द वेलोसिटी इज वेरिएबल, और फोर्थ, बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी आर कांस्टेंट। तो इसका सही ऑप्शन होगा वेलोसिटी इज वेरिएबल। सवाल उठता है क्यों? तो देख लीजिए, देखिए जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है स्पीड और एक होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन। दूसरी चीज होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है और डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार बदल रही है। देखिए, ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, पहले ये है फिर इधर है, इस तरह से चेंज होती जाती है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट, तो इन दोनों से मिलकर बनती है वेलोसिटी। और अगर ये वेलोसिटी है आपके सामने, तो वेलोसिटी वेरिएबल हो गई, तो आपके सामने करेक्ट आंसर आ गया, वेलोसिटी इज वेरिएबल, यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो आइए शुरू करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑप्शंस को देखिएगा क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। पार्ट वन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग, जैसा कि अभी डिस्कस किया था,
बट मैग्नीट्यूड इज कॉन्स्टेंट पार्ट वन. सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, स्पीड इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. थर्ड, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर चेंजिंग. थर्ड, नन ऑफ दीज. तो आपको क्या लगता है? बड़ा सिंपल है, जैसा भी डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट वन विल बी द आंसर. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग बट द मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट. क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पार्ट वन नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, सेकेंड एक्सेलरेटेड मोशन, थर्ड ऑप्शन है एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी, फोर्थ ऑप्शन है बोथ सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, और फर्स्ट है नन ऑफ दीज. अभी अभी हमने डिस्कस किया कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी बदल रही है तो मतलब एक्सेलरेशन तो होगा. तो लीनियर मोशन में तो हो सकता है कि कभी एक्सेलरेशन है कभी कॉन्स्टेंट है, लेकिन सर्कुलर मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन होता है क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल होती है. तो देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट मिल रहे हैं कि ये एक तो एक्सेलरेटेड मोशन है पॉइंट टू, और पॉइंट थ्री एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी है ये. तो आई थिंक आंसर क्लियर हो गया. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 47. नंबर 47 है देखिए, फोर्स डेट कंट्रोल द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो फोर्स जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंट्रोल करता है. ऑप्शंस पढ़ लें उसी हिसाब से तय करेंगे. तो देखिए पहला है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ बॉडी, सेकेंड है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी, थर्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी, फोर्थ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ बॉडी. तो सिंपल आंसर है वो फोर्स जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करता है, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. मींस पार्ट वन विल बी द आंसर. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर. तो देखिए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है चेक करिए. पार्ट वन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए फिक्शियस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फिक्शियस फोर्स है. सेकेंड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर. थर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अज्यूम्ड टू एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर. ध्यान दीजिएगा दोनों में, सेकेंड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, और थर्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अज्यूम्ड टू बी एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर. फोर्थ है ऑल वन टू थ्री तीनों करेक्ट हैं, और फोर्थ फिफ्थ है पार्ट वन एंड थ्री आर करेक्ट. तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फिक्शियस फोर्स है और सच में एक्ट नहीं करता है, इट एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर एंड इट इज अज्यूम्ड, जो ऑब्जर्वर है उसको लगता है कि कोई फोर्स है. तो ये फिक्शियस फोर्स है, यानी कि फिफ्थ पार्ट आंसर होगा क्योंकि इट इज अज्यूम्ड टू एक्ट होता है. तो आई थिंक आंसर क्लियर हो गया होगा. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 देखिए ये क्या है, ये एग्जांपल्स ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड होगा. तो जैसे कि क्वेश्चन देखिए आप, ड्यूरिंग मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स जब एटम में मूव करते हैं ना सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम, उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स ऑप्टेन होता है क्योंकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर. पार्ट वन देखिए क्या है ऑप्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द प्रोटॉन्स बाय इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस, थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन न्यूक्लियस बाय द इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन न्यूक्लियस बाय द प्रोटॉन. बड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत सिंपल है. तो सेकंड ऑप्शन जो आपके सामने आ रहा है जिसमें लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन लगता है. क्लियर? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ को लगेगा जो कि इलेक्ट्रॉन के थ्रू न्यूक्लियस की तरफ लगेगा, और ये इससे काउंटर बैलेंस करता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं. तो ऑप्शन टू इज क्लियर. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 50. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, इट इज रिलेटेड विद द मून. इन द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ टू फोर्सेज डेट एक्ट आर, मून और अर्थ के रिलेशन में दो फोर्सेज एक्ट करते हैं जिसके थ्रू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ द मून कंट्रोल होता है. तो ऑप्शंस देखें, फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. क्या लगता है इसमें, ये कुछ हो सकता है? अभी देख लेते हैं पहले और आंसर देख लें. सेकंड, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. थर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्थ, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स. अगर पहले ऑप्शन को देखें तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्ड है,
तो सेंट्रीफ्यूगल तो हो ही नहीं सकता, ये तो फिक्शियस फोर्स है। थर्ड ऑप्शन को देखें तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से आ जाएगा? मून और अर्थ में चार्जेस के रिलेशन में। फोर्थ में देखें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स दिया है, तो ये ऑप्शन में भी नहीं आ सकते हम। तो एक ही ऑप्शन बचा, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50। शुरू कर, आपने अब तक लगभग 50 क्वेश्चन देखे जो थ्योरी से रिलेटेड थे, जिसके थ्रू आपने पूरा चैप्टर थ्योरी को तैयार कर लिया। और अब देखेंगे हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। तो देखिए न्यूमेरिकल जो आ रहा है, यह है क्वेश्चन नंबर 51। अब सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? अ फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन विद इट्स आर्म 0.5 मीटर लॉन्ग रोटेट्स अ स्पैनर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी, यानी आपको क्या निकालना है टॉर्क। तो ऑप्शन दिए हैं 2.25 न्यूटन मीटर, 1.75 न्यूटन मीटर, 1.25 न्यूटन मीटर एंड 3.25 न्यूटन मीटर। आपको टॉर्क निकालना है और गिवन है फोर्स 2.5 न्यूटन का, और उसकी जो आर्म की लंबाई दी है वो है 0.5 मीटर। तो जैसा कि आप आंसर में भी देख सकते हैं, ऑप्शन ब्लॉक में बना हुआ है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला लगाइए और उसमें वैल्यू रख दीजिए जल्दी से 2.5 इंटू 0.5, तो आंसर आएगा 1.25 न्यूटन मीटर। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। देखिए सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल या घुमा के दिए जाएंगे, उसमें बहुत कठिन और लंबे न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। तो ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 52। 52 भी इसी से मिलता जुलता है। तो देखिए, अ नेट इज ओपन्ड बाय अ रेंच ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 2 न्यूटन, देन द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू लूजन द नट इज। देखिए ऑप्शंस पे देखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है, क्यों होगा अभी क्लियर कर दूंगा। पहला ऑप्शन है 0.4 न्यूटन मीटर, सेकेंड है 40 न्यूटन मीटर, थर्ड है 40 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर और फोर्थ है 0.4 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, आपको जो आंसर देख रहे हैं लगभग सारे आंसर ठीक लगेंगे नंबर वाइज, न्यूमेरिकल वैल्यू वाइज, लेकिन उसको सही तरीके से देखने के लिए यूनिट्स की भी पहचान करना जरूरी होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात है, लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, जिसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर को मीटर में, जो कि आ जाएगा 0.2 मीटर। तो ये तो तय हो गया कि सेंटीमीटर वाले ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दीजिए। तो यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 52 में ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 तो देखना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ न्यूटन सेंटीमीटर लिखा है, जो पॉसिबल नहीं है। इस तरह से ऑप्शन अलग किए जाते हैं, हर बार कैलकुलेट करके चारों आंसर नहीं निकालेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में न्यूटन मीटर है, तो अब 0.4 होगा कि 40 होगा। अब नेचुरल बात है, अगर हमने 20 सेंटीमीटर को 0.2 में कन्वर्ट कर दिया, तो देखिए टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से जो फॉर्मूला बनेगा, उसमें वैल्यू रखने पर 2 इंटू 0.2 करके 0.4 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा। आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल या क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। पढ़िए, अ बॉय ऑफ द मास 30 केजी सिटिंग एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द मिडल ऑफ ए सी सॉ। देखिए एक सी सॉ है, सीसा हमेशा मिडल पे बैलेंस्ड होता है, और उस पे सेंटर से, मिडल से सी सॉ के 2 मीटर अवे एक लड़का बैठा हुआ है जो कि 30 केजी का है। वेयर शुड द बॉडी अ बॉय ऑफ द मास 40 केजी सिट टू बैलेंस द सी सॉ। एक दूसरा बॉय है जो कि 40 केजी मास का है, उसे कहां बैठना चाहिए कि सी सॉ हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे बैलेंस हो जाए। आंसर दिए हैं 2.66 मीटर फ्रॉम द मिडल, सेकेंड है 1.5 मीटर फ्रॉम द 30 केजी बॉय, थर्ड है 1.5 मीटर फ्रॉम द मिडल, फोर्थ है 2.66 मीटर फ्रॉम 40 केजी बॉय। तो जैसा कि आप आंसर देखेंगे, अब ऑप्शन को तय करना है। चारों ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग होंगे, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले मीटर स्केल को बनाएंगे, जो आपके सामने डायग्राम में बना हुआ है, और देखिए वो मिडिल पे फिक्स है, यानी सी सॉ मिडिल पे फलक्रम है उसका। एक बॉय है 30 केजी जो 2 मीटर पे बैठा हुआ है, देखिए डिस्टेंस 2 मीटर लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ जो 40 केजी का बॉय है, जहाँ 40 नंबर लिखा है, वो डिस्टेंस हमने एक्स मान लिया। तो बस अब बात बिल्कुल क्लियर है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है। तो उठा के वैल्यू रख देंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों तरफ, तो देखिए 30 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 40 इंटू एक्स, दोनों तरफ का मोमेंट इक्वल करेंगे, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1.5 मीटर। ये देखिए मैंने तरीका बता दिया आपको, डिस्कस कर लिया, इसको आप पेपर पे जल्दी से सॉल्व करने की टेक्निक समझेंगे। एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ इतना सा ही काम करना है जैसा कि मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन में बताया है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक बच्चों यहां तक के न्यूमेरिकल आज सफिशियंट है इस वीडियो में।
तो आप इन सबको तैयार करिए और ये सारे क्वेश्चंस तैयार करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसके आगे के और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।